अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन पर रद्द अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। दहशतगर्दी से निमटने, शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीका का सवात में होने वाले वाक़े पर तशवीश का इजहार, कहा हमें हमेशा मजहबी तौर पर तशद्दुद के वाक़ियात काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह तो ही रिसालत के कवानीन की मुखालफत करते हैं। बानी पीटीआई 27 जून को जेल से रिहा हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला कहते हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। बानी पीटीआई का सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है, उनका अंदर रहना ही मुल्क के मुफाद में है। हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। कीनिया में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े, हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, ऐवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियां जला दी, महंगाई के सताए सेनेट में घुस गए, सिटी हॉल को भी आग के हवाले कर दिया, टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकन पार्लियामेंट की सुपर मार्केट को भी आग लगा दी गई। पुलिस की फायरिंग से 13 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान पार्लियामेंट को सुरंगों से बाहर निकाला गया, सूरत हाल संभालने के लिए फौज तैनात, इंटरनेट भी मौतल। कीनिया के सदर ने कहा कि मामला हाईजैक किया गया, अनार्की के पीछे जिनका हाथ है उन्हें खबरदार कर रहे हैं। ये बजट IMF के साथ मिलकर बनाना पड़ा, उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर IMF का जवाब आ गया तो आपके सामने पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा PWD में बंदर बांट होती है, वहाँ बहुत करप्शन है। डाउन और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है, अखराजात में कमी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का वफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार, कहा बजट मिलकर बनाने के वादे पर अमल नहीं किया गया, हमसे मशवरे करते तो हम मुस्बत तजावीज़ देते, लॉन्ग टर्म मसाइल का हल सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी में है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन अवामी मफाद में हमारे साथ बैठे और एहतजाज के बजाय अपनी तजावीज़ दे, नैप को बंद करना होगा। हुकूमत बजट में बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही, आवाम को रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र है, दूध पर टैक्स लगाने का फैसला किसी सियासतदान का नहीं किसी बाबू का फैसला है, अहमकाना टैक्सेस वापस किए जाएं। ताजिरों का टैक्स नेट में आना जरूरी है, स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स इस्तेमाल बरकरार, पेंशन अखराजात कम करेंगे, वफाकी हुकूमत ने कई तजावीज पर अमल का फैसला किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा PIA के निजकारी का अमल शुरू कर दिया, हुकूमत मुसल्ला फौज को जरूरी वसाइल फराहम करेगी, IMF प्रोग्राम इस मुल्क का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना का कौमी असम्बली मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहों के बराबर एजाजिए का ऐलान। वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की तौसीक कर दी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर क्या सराइयाँ हो रही हैं, लेकिन वाजे कर दूं कि ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशंस की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इसी को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया, कहते हैं कि तहफ्फुज़ात के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अजायम नहीं है, 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं, वोट बैंक के लिए नहीं मुल्क के लिए स्टैंड लें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का PTA JUI और ANP को पैगाम, कहा अपोजिशन जमातों की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे, ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इतफाक़ राय पैदा किया जाएगा, अपोजिशन और इतिहादी जमातों को बहस का वक्त दिया जाएगा। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान, कहा शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए, बताएं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी सनअतें हैं। रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि KP हुकूमत सूबे के आवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगी, ऐवान को एतमाद में लें और बानी PTI से बात करें, वरना हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है।
शदीद गर्मी, लोड शेडिंग या वजह कुछ और। कराची में चार रोज के दौरान 427 अंबार, सर्द खाने भर गए, मैयतें रखने की जगह खत्म। ईदी सर्द खानों में लाई गई मैयतों की तादाद में दुगना इजाफा, 21 जून को 78, 22 जून को 86, 23 जून को 128 और 24 जून को 135 लाशें लाई गई। फैसल ईदी कहते हैं ज्यादा लाशें उन इलाकों से आ रही हैं जहां लोड शेडिंग ज्यादा है। छिपा हुकाम के मुताबिक तीन रोज के दौरान 22 लाशें उनके पास लाई गई। वजीर दाखिला सिंध का शहरियों के अमवात का नोटिस, तहकीकात का ऐलान कर दिया, वाजह किया कि अमवात की वजह लोड शेडिंग है तो के इलेक्ट्रिक पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएँ। कराची में सूरज ने आग बरसा दी, हीट वेव का कहर। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 16, सिविल में 60, लियाकताबाद जनरल अस्पताल में 150, कतर अस्पताल में 30, करंगी 5 अस्पताल में 40 मरीज लाए गए, 3 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहर के 3 बड़े अस्पतालों में आज 45 लाशें लाई गईं। ख्वाजा इजहारुल हसन का कौमी असम्बली में खिताब में दावा, कहा कराची में हीट वेव से 427 अमवात हो चुकी हैं, सर्द खाने लाशों से भर चुके हैं, के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करवाई जाए, वजीर आजम नोटिस लें और मुलविस इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। शदीद गर्मी में बिजली गायब, अवाम दोहरे अजाब में मुबतला। कराची का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा, के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग जारी। मलीर 15, लाइन्स एरिया लसबेला में आवाम का एहतजाज। सखर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों से तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला और फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। मुल्तान में भी 5 फीडर्स फनी खराबी के बायस आर्जी तौर पर बंद, आवाम का पारा हाई, मुल्क भर में एहतजाज। कराची ता पिशावर, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची का दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, शिद्दत 50 से ज़्यादा महसूस की गई। रहिंग्या खान में पारा 44, मुल्तान भावलपुर में पारा 43 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोधा में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर। नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब जा पहुँचा। पिशावर और DI खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। महकमा मौसमियात ने आज से 1 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। कोई प्रेशर था या नहीं दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आवाम के हक़ रायदही का दिफा करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सुने इत्तेहाद काउंसिल अपना केस जीते या हारे दूसरी जमातों को इससे क्या फ़ायदा होगा। मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हट कर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। इद्दत निकाह केस, पुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, फैसला 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा, कमरे खाली लेकिन पंखे और AC चल रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरकारी वसाइल के ज़िया पर शदीद बरहम, रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। भगोड़े आदिल राजा को बरतानवी अदालत से जुर्माने की सज़ा के बाद एक और झटका। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा समेत 6 मुलजमान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर ओवरसीज सहूलियात को ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। हिदायत की कि अगर ये लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करें तो अदालत को इत्तला की जाए। 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों, ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज होगा। कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरका ने कहा कल मकबूजा कश्मीर के आवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। मसला कश्मीर पर जल्द बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे।
पेशावर में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायर के 8 अफराद कत्ल। थाना परसपुरा के हदूद में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जा भाग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया साबका दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डकैतों ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी ढाई नंबर पर डकैतों ने जीशान से पहले मोबाइल छीना फिर गोली मार दी। डकैत फरार होने लगे तो एक को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। मकतूल जीशान के वालिद ने पुलिस के अदम तावुन का शिकवा कर दिया। इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। इसराइली फजाई हमले में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के सरबरा इस्माइल हनिया की बहन समेत 24 अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के डिगरा जोसेफ बुरियल ने कहा कि गजा जंग मजीद तोल पकड़ सकती है। मगरबी किनारे में इसराइल जो कुछ कर रहा है उससे अमन नहीं बल्कि जंग और इंतशार आएगा। गजा को मलबे का ढेर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूएफओ यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का मैच ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाबी के बाद फातह टीम ने इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाफ टाइम पर ऑस्ट्रिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल थी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी। अफगान टीम के ड्रेसिंग रूम में फतह का जश्न। खिलाड़ी झूमते नाचते गाते और थिरकते रहे। कप्तान राशिद खान और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी जमकर परफॉर्मेंस दिखाई। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अफगान बैटर्स रहमानुल्ला गुरबाज और अजमतुल्ला उमर जई ने अपनी हिमाकत से देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। हरीफ टीम उनकी इस गलती का फ़ायदा उठाते हुए रन आउट करने में नाकाम रही। मुजायका खेज वीडियो वायरल हो गई। और जुनूनी शख्स से पड़ा वास्ता, फरार का नहीं कोई रास्ता। इल्म की तलाश में निकली दो लड़कियों की कहानी। हॉलीवुड हॉरर मूवी हेयर टेक का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।